ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मूड में। जितिन प्रसाद ने आज बीजेपी ज्वाइन की दिल्ली में, उधर शाहजहांपुर में उनके घर में जश्न का माहौल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलने स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचे और साथ साथ पूर्व मुख्य सचिव को चुनाव आयुक्त बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम महोबा में हैं और महोबा से आपके लिए लेकर आए हैं अपना न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। खबरें विस्तार से। जितिन प्रसाद ने आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामते ही यह साफ हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक ब्राह्मण चेहरे की अदद खोज खत्म हो गई। दो साल पहले जितिन प्रसाद बीजेपी में आते आते रह गए थे, लेकिन आज उनका यह प्लान पूरी तरीके से सीक्रेट था और दिन में जब 1 बजे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो कईयों के लिए यह चौंकने वाली बात थी। जितिन प्रसाद प्रियंका गांधी के करीबी रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं रहे और साथ साथ बंगाल के प्रभारी भी, लेकिन आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। जैसे ही बीजेपी का दामन उन्होंने दिल्ली में थामा, उनके घर शाहजहांपुर में आज जश्न का माहौल था। उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग आतिशबाजी करते और मिठाइयां बांटते देखे गए। इस जश्न से साफ है कि उनके लोग, उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक पहले से चाहते थे और जानते थे कि जितिन प्रसाद देर सवेर बीजेपी में जरूर आएंगे और आज वही हुआ। जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी के भीतर एक ब्राह्मण चेहरा मिला है। अब पार्टी कैसे इस्तेमाल करती है आने वाले चुनाव में, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पार्टी के संगठन और सरकार में बहुत कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद का रोल क्या होगा? क्या उन्हें प्रदेश बीजेपी में लगाया जाएगा या फिर उन्हें केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन कहानी अभी बहुत बाकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अनूप चंद पांडे को केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त बना दिया। अनूप चंद पांडे योगी सरकार में पहले उनके मुख्य सचिव रह चुके हैं और पिछले 1-1.5 साल से वो खाली थे, रिटायर कर चुके थे। लेकिन इस वक्त उन्हें जब चुनाव आयुक्त बनाया गया तो उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल हुए। एक तरफ जितिन प्रसाद को भाजपा में लाया गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मान मनोवल की बात की गई, प्रदेश अध्यक्ष उनके घर गए हैं, देखना है कि उन्हें बीजेपी में क्या, कैसा उनके साथ आने वाले वक्त में सलूक होता है, किस तरीके से उन्हें जगह दी जाती है। उधर अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया गया। जानकारों के मुताबिक ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लुभाने को लेकर हो रहा है और चूंकि ब्राह्मण समाज इस वक्त बीजेपी से नाराज दिखाई देता है, वो ओपिनियन मेकर है, ऐसे में संगठन से लेकर सरकार तक उनकी भागीदारी बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है और शायद ये जो 3 कदम इस वक्त उठाए गए हैं, एक तरफ जितिन प्रसाद लाए गए, दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर खुद स्वतंत्र देव सिंह गए, ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बार फिर ब्राह्मणों को जोड़ने में जुट गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड में अस्पतालों के खस्ता हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम शुरू की और ये स्कीम मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर विधायकों तक है कि हर कोई एक PHC या CHC गोद ले, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कोई CHC, कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री गोद ले सकता है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 CHC गोद लिए हैं, 2 गोरखपुर में, 1 अयोध्या में और 1 वाराणसी में। यानी कि इन 4 CHC का कायाकल्प अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे, उनके फंड से होगा। चूंकि उन्होंने गोद लिया है इसलिए इन अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा, यहां बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और जिस तरीके से सांसदों के गांव गोद लेने की एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कुछ उसी तरीके से अब CHC और PHC को गोद लेने की का एक सिस्टम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। योगी के पहले, सबसे पहले जैसे ही CM ने इसका ऐलान किया था, मोहसिन रजा ने उन्नाव के का एक CHC गोद लिया था और अब कहा यह जा रहा है कि ऐसे अस्पतालों की जिम्मेदारी खुद ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद उठाएंगे जिनके पास अपने फंड होते हैं। अब देखना यह है कि क्या इन हेल्थ सेंटर्स के हालात सुधरते हैं या नहीं। और अब कोरोना मीटर,
उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना कम होते होते अब दूसरे वेव के खात्मे तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में कुल मामले 700 आए हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि सक्रिय केस 12,000 तक पहुंच गए हैं। ऐसे में पूरा उत्तर प्रदेश अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है और सभी जिलों को लगभग खोल दिया गया है, लेकिन रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो वीकेंड का लॉकडाउन है वो जारी रहेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब दूसरा वेव लगभग खत्म है और अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो ये था आज का यूपी। महोबा से हम हाजिर थे अपना शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।